क्या चाहते हो मुझसे रॉकी? इस लड़की को फिल्मों में काम दिला दूं क्या? नहीं तो क्या, कॉल सेंटर में इसको कहीं जॉब दिला दूं क्या? वो सब नहीं, किडनैप। बस 3 दिन के लिए, पैसों की चिंता मत करो, उसे किसी भी चीज की तकलीफ ना हो और उसे एकदम सेफ जगह पर रखना। हमारे लिए तो सिर्फ सेफ जगह जेल है। ए, जेल हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। बाप रे बाप। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को छुड़ाने के लिए जो डिमांड होगी उसका कम से कम 40% मुझे चाहिए। मैं कोई डिमांड मांगने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं उससे प्यार करता हूँ। ओ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा क्यों? इसका मतलब उसकी तरफ से 2-way नहीं 1-way है। 3 दिन तक अगर उसे किडनैप करके रखा तो कोई भी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। तब अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले उसके भाई के पास मेरे अलावा कोई नहीं होगा। तब जाकर मैं बनूंगा करोड़ों का मालिक। अब बताओ तुम्हें कितना चाहिए? तुम कह रहे हो उसका भाई करोड़पति है, तो इसका 10% बहुत हुआ मेरे लिए। बॉस, 10% मांग कर हमारी गैंग की इज्जत कबाड़ मत करो। कम से कम 5 लाख रुपए तो मांगो। इस बेवकूफ के बच्चे को 5 और 10 का हिसाब ही नहीं मालूम है। ओके, 5 लाख रुपए ज्यादा ही दूंगा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसका किडनैप करवाया है। हेलो, अगर हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हम अपने बॉस की भी बात नहीं सुनते हैं। मुंह बंद रख कमीने। सुनते। इसके डायलॉग्स इसकी बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी एक्सपीरियंस आदमी के हाथ में ही ये डील सौंपना। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इस डील के लिए मैं कोई बढ़िया आदमी ढूंढूंगा। डोंट वरी, द डील इज डन। Hey, चलो अंदर, चलो। hey, चुप बैठो। hey, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुपचाप बैठे रहो। hey, कौन हो तुम? गाड़ी रोको, रोको। hey, रुक जाओ। स्टॉप, इधर आओ। देखो मुझे कुछ मत करना। अगर भागोगी तो गोली मार दूंगा। प्लीज मुझे कुछ मत करना। घुटनों पर बैठो। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तो तुम हो? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जा रही हूँ मैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मेरी जिंदगी में आके तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी झूठी कहानियों पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं उस वक्त भी बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये झूठ है। लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरा प्यार सच्चा है। मेरा भरोसा करो प्लीज। देखो, मैंने सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू की है। अब आगे से मुझे फोन करना, मैसेज करना या मेरा पीछा करना बंद कर दो। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जीने दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं जा रही हूँ। चली जाना, लेकिन 2 दिनों के बाद जाना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ए, अब तुम्हारा किडनैप हो चुका है। किडनैप? और मैं? देखो, ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, है ना? अगर मैंने अपने भाई को फोन किया ना, तो पैसे तो छोड़ो, परमानेंटली तुम जेल में सड़ोगे। जेल जाना तो छोड़ो, इतना सब हो जाने के बाद तुम्हारे ऊपर से प्यार, सेंटिमेंट्स, इनमें से कुछ नहीं रह गया। अब 2 दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखना, चुपचाप रहना। समझ गई मैं, तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। तुम्हें मैं नहीं मिली, पैसे नहीं मिले, इसीलिए मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो तुम। यू चीटर, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मार डालो मुझे। तुम्हें धोखा देने वाला मैं नहीं, कोई और है जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब की है, और वो कोई और नहीं, रॉकी है। हाँ? रॉकी? मेरी इस परिस्थिति की वजह भी तुम्हारा वो रॉकी ही है। उस दिन वो पुलिस वाले मुझे कहाँ लेकर गए थे ये तुम जानती हो क्या? बल्कि गांजा के एक केस में मेरा एनकाउंटर करने ले गए थे। एक इलीगल गैंग के साथ वो मुझे भी मारने वाले थे।
लेकिन उस दिन किस्मत से मैं बच के भाग निकला। डेफिनेटली कूद के बचेगा नहीं। इतनी गहरी खाई में अगर गिरा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। क्या हुआ निरंजन? डोंट वरी रॉकी, अब वो तेरे और राधा के बीच में कभी नहीं आएगा। किसी को बिना खबर किए स्नेक गैंग के साथ में उसका भी एनकाउंटर कर दिया। ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब अपनी जिंदगी मजे में बिताओ। अगर मैं तुम्हें पाने निकलता तो मेरी मां मुझे खो देती, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को भुलाने की कोशिश करने लगा। उन कमीनों ने कितना मारा है मेरे बेटे को, उन्हें कीड़े पड़े, नाश होगा उनका। मैंने कितने दुख झेलकर तुझे बड़ा किया है बेटा, पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। सब उस रेड़े वाली लड़की की वजह से हुआ है दीदी। ये बात सही है क्या? उस दिन जो अपने भाई के साथ आई थी वो लड़की वही रेडियो वाली है क्या? देखो, जब कोई गरीब लड़का अमीर लड़की से प्यार करता है तो उसमें उसका स्वार्थ होता है। जब कोई अमीर घर की लड़की गरीब लड़के से प्यार करती है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल होता है तो उसका प्यार है बेटा। उस लड़की को भी तुमसे प्यार है, इसलिए शायद वो अपने भाई के साथ आई थी। अरे उसके पीछे घूमने की वजह से ही तो इसने जेल की हवा खाई है। अगर कहीं उससे शादी हो जाती तो ये नरक की हवा खाता। दीदी आप भी बताओ, ये प्यार का चक्कर हम गरीब लोगों के लिए है क्या? क्यों नहीं, क्या हम गरीबों को प्यार नहीं हो सकता? देख ये सब मैं नहीं जानती, अगर तू उससे प्यार करता है तो मेरी बहू वही बनेगी। माँ की बात मुझे ठीक लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे पीजी में, रेडियो स्टेशन, हर जगह ढूंढा। बाद में पता चला कि तुम बेंगलुरु चली गई हो, इसीलिए मैं बेंगलुरु आ गया। थैंक्स भैया। अरे रुक जा, रुक जा। झूठ। सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर नहीं नहीं। क्या कर रहा सर? ये लो। अरे ये बैग मुझे क्यों दे रहे हो? कौन हो तुम? अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जा, भागना मत, चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बैग ले जाओ। सर मेरी गलती नहीं है सर। अरे अपना बैग लेके जाओ ना। ये बैग मुझे क्यों देना चाहते हो सर? वो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पीछे ही पुलिस पड़ी है सर। अच्छा तो ऐसा है क्या? इसका मतलब आप पुलिस वाले नहीं हो? वो रहे, अरे बैग उधर गया। रुक जा, रुक रुक। कहाँ है वो? उस तरफ कहाँ गए? उधर गया, उधर। भाई तुम क्यों भाग रहे हो? अगर पकड़ा गया तो सीधा शूट। हाँ, शूट कर देंगे। रुको रुको रुको, क्या है इस बैग में? लगता है बैग वाले का फोन होगा। हेलो। मुंह खोला कि नहीं भाई? उसने फोन उठा लिया। एक मिनट रुक। हेलो। अरे कहां पर चले गए तुम? एकदम से गायब हो गए। कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें यहां पर। सर हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का आपको बैग देकर चला आया, उसमें मेरी माँ के कैंसर के सर्टिफिकेट्स हैं सर, एक्सरे और दवाइयां भी हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी उसी में है। अगर सही वक्त पर दवाई नहीं दी तो मेरी माँ मर जाएगी सर। अरे तू क्यों रो रहा है? माँ को इतनी तकलीफ है, अब मुझे पता चला। चुप का। सर आप कहाँ पर हो सर, बता दो, मैं खुद आकर ले लूंगा सर। आप कह रहे हैं कि आपकी माँ इतनी तकलीफ में है तो आपका आना ठीक नहीं रहेगा।
एड्रेस भेज दीजिए, मैं खुद ही बैग देने वहाँ आ जाऊंगा। सर सीधा बैंक वाले रोड पर आइए सर, वहाँ से लेफ्ट टर्न आएगा सर, वहीं एक पुराना गोडाउन है, हम लोग वहीं पर काम करते हैं सर। अच्छा मैसूर रोड पे, ठीक है आप एड्रेस भेजिए, मैं पूछते हुए आ जाऊंगा। वो खुद यहाँ आ रहा है, अगर वो बैग मुझे खाली दिखा तो तुझे और उस मच्छर को अच्छी तरह मसल दूंगा। बैग उसे देके ये यहाँ पर आकर नाटक कर रहा है भाई, वो जैसे ही आ जाएगा बैग उससे ले लेंगे। जाने दो डैनी, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। सुनो तुम बेंगलुरु के लिए निकलो, टाइम हो गया है, एक अच्छी डील है, जाओ। इस कमीने को जिंदा छोड़कर कैसे मैनेज करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, इसकी दीदी ने जो कहा है भुगत तो रहा हूँ, तुम निकलो यहाँ से। लग रहा है मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या मेरी दीदी के बारे में? उसकी दीदी के बारे में। या! अरे क्या हुआ रे तुझे? मेरे भाई, वेलकम टू माय अड्डा, कम आओ, आओ चला। भाई 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 देखो भाई, ये लो चेक कर लो भाई। हाँ सब ठीक है ना भाई, सब बराबर है ना? नाम क्या है तुम्हारा? राजा। कौन सा गांव? मैसूर। ये कह रहा था कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, वो किस लिए? वो मैं पुलिस से बचने के लिए भाग रहा हूँ। अरे मुझे देखो, जेल आता जाता रहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात भाई? है भाई, हमारा जाना आना अलग बात है, इसका तो एनकाउंटर वाला केस है। एनकाउंटर? लग रहा है कोई बड़ा केस किया है इसने। ठीक है अब आ ही गए हो तो सही जगह पर आए हो, एक काम देता हूँ तुम्हें, वेरी सिंपल। रात में जाने का, गाजा अफीम सेल करने का, कभी पकड़े गए तो छोटा मोटा केस, फिर छूट कर बाहर आ जाना। अगर हमारे साथ काम करोगे तो पुलिस का लफड़ा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा मोटा मैकेनिक हूँ, मैंने ये सब कभी किया नहीं। लग रहा है ये लड़का गांजा का नाम सुनकर डर गया है, एक सिंपल डील करके देखते हैं। देखो भाई, उस डील की वजह से मुझसे चूक हो गई थी भाई, इसलिए आपने मेरे मुंह पे वही करूंगा, कभी ना कहीं का। राधा, इस डील के लिए अपनी शक्ल देख पहले। देखा, चतुर दिमाग वाला, शक्ल वाला तू है क्या? तू 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 भाई वो उसके लिए नहीं, लड़की का काम परफेक्ट होना चाहिए। मैं समझ गया, सॉरी, यही है तुम्हारी पहली डील। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज्यादा इसके बारे में सोचना मत। इसे किडनैप करने के लिए 5 लाख रुपए में डील तय की है मैंने, तुम ये काम करोगे या नहीं करोगे? मैं करूंगा। भाई ये डील आप किसको दे रहे हो भाई? मुझे दे दो, चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगा भाई। तू बस चुटकी ही बजा सकता है, लेकिन ये बांसुरी बजा सकता है। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे 50% चाहिए। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है मुझे क्या? एक बात अपनी खोपड़ी में उतार ले, अगर तूने डबल क्रॉस किया अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो कोई और तुम्हें किडनैप करता। मैंने सब सच सच बता दिया है, अगर तुम्हें भरोसा है तो 2 दिन मेरे साथ रह सकती हो, बाकी खुद ब खुद पता चल जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो, मैं शेशु बोल रहा हूँ। बोलिए सर। जैसे ही शहर क्रॉस करोगे लेफ्ट साइड में एक ब्लैक कार खड़ी होगी, नंबर है KA04MJ1009, उसे ले जाकर उस कार में बिठा दो। हाँ। पर वो तो मेरे साथ रहने वाली थी। इस धंधे में जबान की वैल्यू होती है, पर मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जितना मैंने तुझसे कहा है बस उतना ही कर। तो फिर सर ये किसके साथ, कौन लेकर जाएगा इसे सर? उस गाड़ी के अंदर खतरनाक कवाली है, नाम है मित्रा, बात करने में वो बहुत मजाकिया टाइप का है, उसके साथ भेज दो उसे। सर लेकिन एक मिनट, अब उस लड़की के साथ शादी करने वाला वो लड़का रॉकी बहुत ही डेंजरस है, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की की डिलीवरी करके अपना हाथ निकाल लो। तुम्हारा 50% रेडी रहेगा, आकर ले लेना। ठीक है सर, सुन लिया ना?
ठीक है, मैं दो दिन के लिए चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी माँ की कसम खा के तुम्हें प्रपोज किया था, और अब भी उनकी ही कसम खा कर कहता हूँ, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर।